देवेंद्र सिंह भिष्ट की तरफ से है। देवेंद्र सिंह साहब इस समय हरिद्वार से लाइन पर मौजूद हैं और इनका सवाल सिविल स्कोर पर है। आपका स्वागत है। आपने जिस तरह से मेंशन किया है सिविल स्कोर, इसकी जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन आपने जैसे बताया ये होम लोन के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें आपकी एक आपने मासिक आय मेंशन की, साथ में आपने कुछ बताया आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ये इंसेंटिव्स किस प्रकार से, मतलब आप कुछ इसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ प्लीज। देवेंद्र साहब आप लाइन पर हैं, इनसे मीनवाइल आइए हम कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। तब तक बलवंत साहब, अगर हम सिविल स्कोर की बात कर सकें, ये जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस, चार्जेस जो इन्वॉल्व रहेंगे, किस तरह से आप इनको इस पर राय देना चाहेंगे, और सेकेंडली जैसे इन्होंने ये जो मैंशन किया इंसेंटिव्स, इसको लेकर जनरली लेंडर्स कितने कंफर्टेबल रहते हैं इस पहलू को लेकर, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, तो इन किस तरह से आप इसको एड्रेस करेंगे इस सवाल को। मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दे देता हूं कि ये जैसे बताया इनको इंसेंटिव मिलती है, तो अगर इंसेंटिव मोटा मोटी अगर उनको रेगुलरली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर या मंथ आफ्टर मंथ मिल रही है तो लेंडर कंफर्टेबल रहते हैं उसको इनकम में कंसिडर, जब लेंडिंग करते हैं तो उसको इनकम में कंसिडर करते टाइम, क्योंकि नॉर्मली जो जिन कई लोगों का जॉब ऐसा होता है उनका परफॉर्मेंस बेसिस कंपोनेंट ज़्यादा होता है सैलरी का, अगर रेगुलरली उनको ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अर्न कर रहे हैं तो लेंडर उनको कंसीडर कर देता है। और जहाँ तक सवाल आप जैसे सिबिल स्कोर ऑनलाइन प्राप्त करने की बता रहे हैं, तो सिबिल की साइट पे जाके वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, 470 रुपया फीस है तो उनको ऑनलाइन स्कोर मिलता है। तो ऑनलाइन स्कोर एक्सेप्ट जो प्राप्त करने के लिए उनको पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से उनको तीन प्रश्न है ना उनका सही जवाब देना, और जब ये ऑनलाइन स्कोर के लिए एप्लीकेशन करने बैठे तब उनका जो क्रेडिट कार्ड है या उनका जो होम लोन अकाउंट है या पर्सनल लोन अकाउंट है वो अपने पास में रखें, क्योंकि वो जब ये पांच प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही होंगे, और जब अगर ये तीन प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं तो उनको जो ईमेल में है एक या दो दिन में उनको क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, उसके साथ उनकी क्रेडिट रिपोर्ट भी होती है। परंतु अगर ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो वही साइट पे प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो पेमेंट उन्होंने किया उसको ऑफलाइन एप्लीकेशन कर देंगे तो 15 दिन में उनको जो स्कोर और रिपोर्ट दोनों आ जाएगी। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए, जो आपको डिटेल्स दी गई हैं और अगर आप नज़र डालना चाहें तो इस तरह से स्क्रीन पर भी ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो रहेगा इसके तहत आप आगे बढ़िए।